ये हमारे पार्टनर का घर है, बिजनेस पार्टनर है ना उनका, ये एक्सपायर हो गए और हम लोग गए थे तो आ रहे वापस गाड़ी में, ट्रेन में बैठे थे, मूड ही नहीं हो रहा था, मूड सबका ऑफ था। हम 7 बजे से गए थे, 6:30 बजे घर पे आए, मूड इतना उदास हो गया था ना कि नहीं आदमी क्या बोलूँ। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे का क्या कुछ मालूम नहीं, इसलिए कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या करने का क्या नहीं करने का। मेरा रुच है, मुझे ट्रेन से आ गए, 7 बजे गए थे, कुछ खाया पिया तो उसके जाके क्या खाएंगे, क्योंकि माहौल ही अच्छा था, कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ दो बार में इतना 5:30 बजे और फिर का चार नाचना वापस आने वहाँ से भी हाथ से हम वापस आए, हाथ में बस कमा पसंद भी था लेकिन उदासीन था। क्या करने का आगे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, स्कूल पर चलेगा क्या करेगा, मिस्टर की टेंशन में थे, मिस्टर वहाँ आ गए थे, पता नहीं अभी आगे बढ़ते सोचते ही जाने वाला कोई चला जाता है, लेकिन आगे का क्या सोचना पड़ता है ना। आगे भूख बहुत लग रहा था, अभी घर पे आके मैं बनाऊँ तब खाने का ऐसा था हमारा, क्योंकि फिर बच्चे घर में अकेले थे, हमने कुछ बनाया ही नहीं था, तो अभी भूख भी बहुत लग रहा था। तो ऐसा ने बोला कि दादर भी कुछ तो खा लेते हैं, क्योंकि उधर से पार्क के घर में नहीं ले लिया था ना हम लोग, तो अभी नाना वगैरह पड़ेगा इसके लिए। तो मन बहुत उदास था, लेकिन क्या करने का कुछ समझ में नहीं आया, आगे का क्या, आगे का क्या सोचते सोचते इतना दुख हो रहा था कि मालूम नहीं। बेचारा गरम गरम है। फिर हम लोग दादर में गाड़ी पार्क किया था ना, उधर ही वो कृष्णा वड़ा का है, वो वड़ा खाया रास्ते में ही खड़े रहके, क्योंकि घर में नहीं ला सकते ना पार्सल, तो फिर वहीं खाया। मेरा इरादा था कि पार्सल घर में लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ऐसा, तो ये बोले कि नहीं घर में नहीं लेके आने का, हम लोग ने नहाया वगैरह नहीं है तो घर में नहीं ला सकते। समोसा उचलून तिकडे ठेव ना, आता ओला होणार लाईटचं बिल, हा लाईट बिल पण हा 1 तासाने येणार मी।